बढ़ती आबादी आसमान छूती महंगाई और खरीफ उत्पादक में आई कमी को देखते हुए भारत सरकार किसानों को हित में एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जिसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री तिल बीज योजना बीज ग्राम योजना श्री विधि योजना के तहत प्रखंड कृषि कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक किसानों को कम मूल्य तथा अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और हर वर्ष इस मद में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है लेकिन इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा जो भी समय पर बीज खाद जो किसानों को उपलब्ध कराने के लिए जो नियम कानून है वो समय पर नहीं मिल पाता है। अभी इस साल तो बीया मिलबे नहीं किया, लोग खुद खरीद करके बीज भंडार से बीया बीज गिरा रहे हैं, लोग अपना खाद खरीद कर दे रहे हैं। तो कितना लोग अभी तक बीज बो लिया है और कितना लोग बाकी हैं? अभी मतलब कि 95% लोग बीज बो लिए हैं, 5% लोग ही बाकी हैं खरीद कर। हाँ खरीद कर और क्या, घर के बीज गिराने तो में ज्यादा पैदावार देला कि सरकारी बीज में? सरकारी ब्लॉक से मिल रहा तो में ज्यादा पैदावार होना, घर के बीज में कम पैदावार। किसान सलाहकार रुपलिया पंचायत के है? रुपलिया पंचायत के जितेंद्र, जितेंद्र तो का गांव में सलाह ना देवे ले? अभी तो नहीं सलाह दे ले सर का है, जिला से हम लोग बीज प्राप्त हुआ है, इसी कारण से लेट है, आशा है कि एक दो दिन में बीज आ जाएगा। आप क्षेत्र में घूमे हैं? जी बीज तो बहुत लोग गिरा लिया है। जी तो बीज अब आएगा तो क्या होगा? अब बीज आएगा तो जिसको श्री विधि में चयन किया है उनको दिया जाएगा। मैं ही सीमांत किसान परिवार से हूँ, मेरे भी परिवार के सभी लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। बीज की महंगाई को देखते हुए हम लोग घर का बीज गिराने को मजबूर हैं और सरकार किसी भी बरस समय से बीज उपलब्ध करा नहीं पा रही है। अधिकारियों की इस रवैये पर पूरी मजबूती के साथ सवाल खड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम किसानों को हर साल समय से खरीफ बीज उपलब्ध कराया जाए। आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोगी बने। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 99 31 82 63 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि हम किसानों को समय से बीज मिल सके। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।